आज से लगभग 357 साल पहले यानी कि सन 1666 में एक व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और उसने देखा कि सेब जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है। वो पहला व्यक्ति था जिसने इस घटना को एक अजीब नज़रिए से देखा, एक साइंटिफिक नज़रिए से देखा। ये व्यक्ति था आइजक न्यूटन, जिनको बोला जाता है सर आइजक न्यूटन। और उन्होंने आविष्कार किया कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं धरती की ओर एक फोर्स के कारण खिंच रही हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। सोच अलग थी, बात अलग थी, और उसके बाद दुनिया भर के इस पर एक्सपेरिमेंट हुए और ये नियम जो है आज भी अभी भी हर वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। यही कि ये नियम जो है ना हमारे ग्रंथों में भी लागू होते हैं, खास तौर पे श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए तीन गुणों पर। वो तीन गुण कौन से हैं? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। कमाल की बात यह है, भगवद गीता में बताती है कि हमारी सोल को, हमारी आत्मा को ये तीन गुण ही इस शरीर के अंदर पिरोए हुए हैं, ये तीन गुण ही इस शरीर के अंदर बांधते हैं। पहले तमोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर सतोगुण है। अब यहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, वो न्यूटन की जो बात है ना गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो यहाँ पे भी लग रहा है। अगर हम चेतन नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो ये गुण नीचे की ओर जाएंगे, तमोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे, सतोगुणी है, यानी कि सतोगुणी है तो रजोगुणी होना शुरू होंगे और फिर रजोगुणी से तमोगुणी होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है नीचे की ओर खींच रही है। इसलिए सोसाइटी के लिए हर वक्त, कोई भी सोसाइटी हो, चाहे भारत की सोसाइटी हो, चाहे विदेश की सोसाइटी हो, चाहे हिंदुइज्म की सोसाइटी हो, चाहे इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, जैनिज्म की हो, बुद्धिज्म की हो, सिखिज्म की हो, कोई भी सोसाइटी हो, उनको लगातार नियमित रूप से निरंतर जो है सोसाइटी को अच्छी सोचें देनी पड़ती हैं, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो उनके गुण जो है नीचे की ओर ना जाएं, गुण ऊपर की ओर रहें, तभी जो है वो ज़िंदगी चल सकती है। अदरवाइज ज़िंदगी जो है वो इतनी तामसिक हो जाएगी और फिर क्या होगा, तामसिकता से लड़ाई झगड़े युद्ध, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी युद्ध हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, तामसिक मानसिकता के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम सतोगुण को बनाए रखेंगे तो चारों ओर आपको शांति मिलेगी। सतोगुण का सबसे पहली जो देन है वो शांति ही है, सुख शांति आती है सतोगुण से। लेकिन इसको बनाए रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रही है। इसको बनाए रखने के लिए एकमात्र फोर्स जो है वो चेतना है, चेतन रहना है, अवेयर रहना है। और वो कैसे आएगी? जब आप अच्छे लोगों की सत्संग करेंगे। सत्संग का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप बाजा लेके गाना बजाने लगे, ये आप बार बार चर्च में जाने लगे, मंदिर में जाने लगे, गुरुद्वारे में जाने लगे। हाँ, वहाँ से ही सतोगुण विकसित होंगे, तब जब वहाँ पर बताई गई बातों को आप आत्मसात करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, यानी कि अच्छे लोगों के साथ अगर हमारी उठक बैठक होगी, अच्छे विचार हमारे पास आएंगे और वही अच्छे विचार जो हैं हमारे सतोगुण को बनाए रखने में हमारा साथ देंगे। हमें गुरुत्वाकर्षण के जो बल है, जो हर वक्त विद्यमान है, उसको समझना होगा और देखना होगा कि हमारे गुण जो है वो नीचे की ओर कितने जा चुके हैं, और फिर आकलन लगाना होगा कि हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा कि ये गुण जो है फिर मेंटेन हो जाएं और सतोगुण की जो सतह पे हम आ जाएं। हालांकि भगवद गीता, अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हो, सॉल्वेशन चाहते हैं, तो फिर वो ये कहती है कि आप तीनों गुणों को छोड़ दो, तब जो है सॉल्वेशन मिलेगी। लेकिन सबसे पहले सॉल्वेशन का जो सही पॉइंट है, जहाँ से हमने ऊपर जाना है, वो सतोगुण ही है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के जो तीन नियम हैं वो लग रहे हैं तीनों गुणों पे एक साथ और वो नीचे की ओर जा रही हैं। उनको ऊपर उठाए रखना है, एक तरीके से बल को बैलेंस करना है। बैलेंस किससे होगा? अवेयरनेस से। अवेयरनेस कहाँ से आएगी? सत्संग से। सत्संग क्या है? सत्य का साथ सत्संग कहलाता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। आज आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, ये भी सत्संग ही है, क्योंकि हम सत्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई राजसिक या तामसिक बात नहीं हो रही है। किसी और के वीडियो भी सुनते हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसी बातें हो रही हैं तो भी आप सत्य के साथ हैं। सत्य का मतलब या सत्संग का मतलब खाली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाके सत्संग नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी है, लेकिन खाली वो नहीं है। सत्य की चर्चा
वहाँ पर बताई हुई बातें आप कहीं पे भी बैठ के करेंगे तो वो सत्य की चर्चा ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो है गुण किस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इन नियमों को हमें समझना होगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा।